सिद्दीकियत का दर्जा पाने वाले जनाब अबू बकर सिद्दीक का दिफा तो करें, कहाफा के बेटे की इज्जत तकरीम की बात तो करें, लेकिन रसूल खुदा की बेटी की बात ना करें, उनकी शान और अजमत का जिक्र ना करें, उनके फजाइल और मनाकिब को बयान ना करें। तो साहबा में अबू बकर अफजल है, क्या ली भाई साहबा में हजरत अबू बकर अफजल है। सोशल मीडिया का आप कोई प्लेटफॉर्म देख ले जिस पर मजहबी नौइयत का कंटेंट अपलोड किया जाता हो, उस चैनल पर आपको मुफ्ती साहब का चेहरा नजर आएगा और उनके लिए मुख्तलिफ फतवे नजर आएंगे जो कि आजकल उन्हें या उनके उस कलाम के हवाले से दिए जा रहे हैं। मुझे इस कदर अफसोस हुआ, मैं आपको बता नहीं सकता कि यही लोग जो आज मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब के एक कॉल पर इस कदर सीख पा हैं, ये उस वक्त कहां चले गए थे कि जब सैयदा तैयबा सिद्दीका कुबरा मखदूमा कौनैन खातून जन्नत मादर हसनैन रसूल आजम की प्यारी दुख्तर हजरत फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में जब कलाम किया गया था, उस वक्त इनकी जबानें क्यों बंद हो चुकी थी, क्यों इन्होंने फतवों के अंबार नहीं लगाए, क्यों इन्होंने किताबें फिजा में लहरा कर सैयदाए कायनात की अजमत और शान को बयान नहीं किया, उनकी रिफात का तस्करा नहीं किया, उनकी पाकी को बयान नहीं किया।